सभी को सिखाया जाएगा जो मैंने आपको फायर का एक्शन बताया, मैंने क्या क्या होता आपको मालूम चल गया। लेकिन अभी आप कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, कौन से टाइप के फायर में यूज करोगे, ये नॉलेज किसी गार्ड को मैक्सिमम 95% है नहीं। क्लियर? बस उनको जो मालूम है कि ये रखा है और ये यूज करना है। पहले आप लिखिए, लिखिए क्लास ऑफ फायर। हमारे कितने तरह के आग होते हैं, क्लास ऑफ फायर का मतलब समझते हैं आप? क्लास ऑफ फायर मीन्स आपके आग कितने तरीके के हैं। क्लास ए, आग के प्रकार, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ, बीच में ई नहीं है, ठीक है। अब क्लास ए फायर क्या होता है वो लिखिए। क्लास ए फायर होता है जनरल फायर, क्लास ए होता है जनरल फायर, सॉलिड फायर, सॉलिड फायर जो आपका कपड़ा, लकड़ी, जितने भी सामान है जो सॉलिड आइटम है वो है क्लास ए फायर। आप लिख रहे हो लास्ट पर्सन, मैं आपसे पूछूंगा बाद में। क्लास बी फायर, ऑयल फायर, ऑयल लिक्विड होता है ना, उसको ऑयल बोल लो या लिक्विड बोल लो, लिक्विड फायर, ठीक है, ऑयल और लिक्विड फायर हो गया। क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर, क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रिकल के साथ आपका गैस भी आता है, गैस फायर से आपका उतना पाला नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल और गैस, एंड गैस, इलेक्ट्रिकल एंड गैस, क्लियर। क्लास डी, क्लास डी है मेटल फायर, क्लियर, क्लास डी है मेटल फायर। क्लास एफ, मेटल में क्या क्या आता है बताऊंगा, आपका जो प्लैटिनम, टाइटेनियम, जितने मेटल्स है, लोहे में आग लगता है तो उसको बोलते हैं मेटल फायर। क्लास एफ वो है अनसैचुरेटेड फैट एंड ऑयल, जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो तेलों में आग होता है ना, बड़े बड़े तेलों में जो फ्राई होता है, बड़े शॉपों में जो तेलों में आग लगते हैं, बड़े बड़े तेलों में, गर्म तेलों में वो बोलते हैं, उससे अभी आप लोगों का पाला नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों का सिर्फ बैंक में पाला पड़ेगा क्लास ए, बी, सी और डी, ये चार तरह से, डी से भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, बी से पड़ेगा, ए बी सी से पड़ेगा, तो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। आप इसको कैसे याद रखोगे, एक फार्मूला है, लिखो, एक फॉर्मूला है जिससे आप भूल जाओगे। क्लास ए बी सी फायर कैसे याद रखूंगा, डी कैसे याद रखूंगा, गोएम, जी ओ ई एम, गोएम फॉर्मूला, ये एक पंचवर्ड है, क्या है, पंचवर्ड, जी ओ ई एम, गोएम, सारे जोर से बोलो पांच बार, गोएम, 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 स्पेलिंग बोलो और बोलो गोएम, सब बोलते रहो, जी ओ ई एम, गोएम, क्लियर। तो ये सबके दिमाग में आ गया। अब ये गोएम फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको, किसी को याद नहीं रहता है कि ए बी सी डी, किसी को याद नहीं रहता है कि ए बी सी और डी ए फायर का किस प्रकार के आग में यूज किया जाता है, तो ये गोएम फॉर्मूला का, गोएम दिमाग में ये वर्ड याद रखोगे तो आपको ए बी सी फायर क्लियर हो जाएगा। क्लियर? जी से क्या होता है, जनरल, क्लियर। क्लास ए जो पहला वर्ड है ए, वो जी से मिल गया, जनरल फायर। गोएम के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, ओ, ओ से क्या होता है, ऑयल, मतलब लिक्विड, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, ई, ई से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से क्लास सी, तीसरा वर्ड ए बी सी, तीसरा इलेक्ट्रिकल, क्लियर। उसके बाद चौथा क्या आता है, एम, मेटल। तो अगर आपने कभी देख लिया किसी एक्सटिंग्विशर के ऊपर ए बी सी लिखा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, गोएम को याद रखना, गोएम, जी ओ ई। तो पहला वर्ड ए का क्या हो गया, जी, जी से मिला उसको, तो अगर किसी में सी लिखा है तो आपका सी लिखा तो क्या बोलोगे आप, याद हो गया फॉर्मूला, गोएम में जी ओ ई तीसरे में आता है, सी सी भी तीसरा आता है, बात समझ में आ रहा है आपको, पकड़ने में इजी हो रहा है, ए बी सी डी कर बोलता तो आपको याद रहता, भूल जाते आप, लेकिन अभी गोएम को याद रहोगे ये वर्ड को तो आपको पकड़ने में इजी रहेगा। तो ई से,
तीसरा वर्ड क्या है? ई. सी क्या क्या है? इलेक्ट्रिकल. क्लियर. अगर मैं आपको बोलूं, अगर अभी ये सॉल्यूशन के ऊपर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बताइए? ए बी सी लिखा हुआ है ना? बी का जिक्र है. इसमें ये ए बी सी सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ ए बी सी. तो उसमें आप अगर मैं बोलूं बी, बी का स्क्वायर क्या है? आप बोलिए सिर्फ अगर मैं बी पूछूं या सी पूछूं या डी पूछूं, डी क्लास क्या है? लास्ट वाला बंदा डी. डी कौन सा फायर है? एम से क्या होगा? बस दिमाग में गोयम याद रख लिया, बस और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. क्लियर? यस सर. आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका स्टैंडर्ड अच्छा होगा, अगर आपको एक्सटिंग्विशर के बारे में अच्छा नॉलेज होगा, तो आप एज ए गार्ड ए वन कहलाओगे. क्या कहलाओगे? ए वन. किसी भी जगह पे आप कहीं भी, अगर कोई बैंक मैनेजर कोई भी पूछेगा कि आपको आग के बारे में मालूम है, एक्सटिंग्विशर के बारे में मालूम है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ मुझे सब मालूम है, ये क्या क्या लिखा हुआ ए बी सी सब मालूम है, कब का किसमें यूज होता है आग में. क्लियर? इतना नॉलेज बैंक मैनेजर के बैंक स्टाफ को भी नहीं मालूम ए बी सी क्या होता है. उनको मालूम है बस आग के लिए रखा हुआ है, उनको भी नहीं मालूम ए बी सी डी क्या होता है, एक्सटिंग्विशर किस टाइप का यूज होता है. क्लियर? यस सर. तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए और आपको बहुत क्लियर होना चाहिए. तो आप अभी तक जो मैंने पढ़ाया, अभी ये ए बी सी डी और एफ जी, कोई डाउट है? एफ तक जाने की जरूरत नहीं है. एफ क्या होता है मैंने आपने लिख लिया है. गोयम फॉर्मूला में कोई डाउट? नो सर. जी अब मैं बोलूंगा जी से, मैं पूछूंगा जी से क्या होता है. लास्ट पर्सन दस आपसे पूछ रहा हूँ, जी से क्या होता है बोलिए. जी से क्या होता है जल्दी? नेक्स्ट आप बोलिए. जनरल फायर. नेक्स्ट जी से क्या होता है? जनरल. ओ से? ऑयल एंड लिक्विड फायर. एक ही बात है. E से? M से? मेटल. तो आपने लिख लिया ये फॉर्मूला. जिंदगी भर जब तक आपकी सांस सांस में रहेगी, आप ये चीज कभी नहीं भूलोगे और ये नॉलेज आपको हमेशा रहता रहेगा. ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से रखिए, तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ आपको. हो गया? यस सर. अभी एक्सटिंग्विशर का ऑपरेशन, फायर एक्सटिंग्विशर का ऑपरेशन मैं आपको बोल देता हूँ. फायर एक्सटिंग्विशर का ऑपरेशन ये है कि सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है. क्या है? पास. लिखिए पास, पी ए एस एस, पास. क्लियर? सभी बोलो पास. पास. स्पेलिंग के साथ पी ए डबल एस. पास अब फेल होता है ना, तो पास का. तो मैं आपको सिखाता हूँ ये क्या होता है. पहले क्या होता है, पास का कोई कभी कहीं आग लगता है, कहीं पे आग लग जाएगा, समझो यहाँ पे आग लग गया, तो कभी भी एक्सटिंग्विशर को एक तरीके से ऑपरेट करना है ताकि आपका आग बुझ जाए. अगर आपको तरीका नहीं मालूम, अगर आपको तरीका नहीं मालूम, तो आग में आप एक्सटिंग्विशर ऑपरेट तो कर दोगे, लेकिन वो आग बुझेगा नहीं, कंट्रोल में नहीं होगा. उसका तरीका है, पहला होता है पुल. पास का क्या पहला पी से क्या होता है? पुल. पुल द पिन. पुल द सेफ्टी पिन. आपने सेफ्टी पिन इसका निकाल दिया. ठीक है, पुल द पी से पुल द सेफ्टी पिन. उसके बाद एम. एम जैसे ये मेरा आग है, समझ लो ये जो ये बंदा यहाँ बैठा है, ये आग लगा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, एम. उसके बाद मैंने एम किया. एम मुझे, एम मतलब निशाना. क्या होता है में देखो सब निशाना. अगर आपने निशाना कहाँ लगाना है? जहाँ आग लगी है उसके ऊपर नहीं, बीच में नहीं, बेस में लगाना है, नीचे जहाँ से आग शुरू हो रहा है. क्लियर? किसी को डाउट? अगर आपने आग को अगर ऊपर नीचे ऐसे 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 किया, आग कभी नहीं बुझेगा. अभी यहाँ करोगे यहाँ थोड़ा बुझेगा, वहाँ स्टार्ट हो गया, वहाँ करोगे यहाँ बुझ जाएगा, यहाँ स्टार्ट हो जाएगा. आपको एक तरफ से धीरे धीरे खत्म करना है ताकि उसका बेस से खत्म हो जाए वो. क्लियर? ये टेक्निक का किसी को नहीं मालूम. तो पुल द पिन, एम. एम कर दिया आप, उसके बाद
उसके बाद पी के बाद एक क्या आता है ए हो गया एस ऐसे क्या होता है स्क्वीज स्क्वीज मतलब किसको मालूम है स्क्वीज स्क्वीज इंग्लिश में वर्ड है स्क्वीज स्क्वीज मतलब दबाना इस चीज को बोलते हैं स्क्वीज स्क्वीज मतलब किसी चीज को दबाना तो ये जो हम लोग ऊपर नॉब है हम इसको दबाएंगे हमने एम कर दिया स्क्वीज कर दिया और उसके बाद स्वीप स्वीप मतलब स्वीप स्क्वीज मतलब दबाना स्वीप मतलब जैसे हम लोग जैसे हॉस्टल में बोता नहीं बोलता स्वीप करते हैं घर में मम्मी बोता बोता मारती है स्वीप तो ऐसे से स्वीप करना झुलाना नीचे पोछा मारते हैं ना हाँ तो उस तरह से स्वीप करना मतलब पोछा मारना पूरा उस टाइप का स्वीप करना तो आपने मैंने पुल कर दिया ए पुल द पिन एम कर दिया बेस में एम स्क्वीज दबा दिया स्वीप मुझे एक तरफ से पूरा स्वीप करते हुए आगे बढ़ना है आपने कभी भी गलत तरीके से ऐसे ऐसे नहीं करना है ऐसे ऐसे नहीं करना है गलत तरीका है आपको एक तरफ से पूरा स्वीप करते हुए आगे बढ़ना है आपकी तरफ ठीक है कि पूरा आग लिप जाएगा और आपके और आग के बीच में 3 से 4 फुट का दूरी होना चाहिए 3 से 4 फुट ताकि आप अपने को सेफ रख सको क्लियर ओके ये हो गया आपका तरीका ये हो गया ये देखिए ये भी तरीका है ये है CO2 extinguisher वो था ABC extinguisher ABC ये CO2 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ पढ़िए क्या लिखा हुआ यहाँ पे बी और सी आप बोलिए बी किसे होता यूज होता है किसमें ऑयल बी ऑयल फायर और सी किसमें होता है इलेक्ट्रिकल गोयम फॉर्मूला मालूम है ना बस उसको ध्यान रखिए तो ये आपने भी वही सेम वही करना है उसमें क्या होता है स्क्वीज होता है और CO2 में क्या होता है इसमें नॉब को घुमाते हैं इसमें नॉब को अगर आप जैसे ढक्कन खोलते हैं ना वैसे अगर आपने ढक्कन खोला तो ये गैस बाहर आएगा तो उसी वक्त आपने ये जगह को नहीं पकड़ना है ये मेटल पार्ट को अगर आपने CO2 ऑपरेट करते पकड़ लिया तो आपका ठंडा हो जाएगा कोल्ड बर्न हो जाएगा क्या हो जाएगा कोल्ड बर्न तो आपको हॉर्न पकड़ना है हॉर्न क्लियर ये जो है ना ये हॉर्न पकड़ना है क्लियर यस सर बायां हाथ में ये पकड़ोगे ये हैंडल दाएं हाथ में हॉर्न पकड़ोगे इसमें सेफ्टी पिन निकालोगे और निशाना करने के बाद रखने के बाद जो प्रो नॉब खोल दोगे खोलने के बाद फिर इसको हॉर्न के साथ पूरा स्वीप करोगे क्लियर कोई शक है किसी को मैंने बताया कोई शक डाउट है इसमें अभी तक ठीक है अभी एक बंदा हो यहाँ पे बताओ अब आ जाओ बताओ ये कैसे करना है ऑपरेट सिस्टमेटिक चलो ये आग लगा हुआ है यहाँ पे आग लगा हुआ है ये बंदा सर अगर आग लगता है तो पास फॉर्मूला से जोर से बोलो आगे बोलो सामने बोलो अगर आग लगता है तो पास फॉर्मूला यूज करना है पास का पहला होता है पी पी मतलब पुल द पिन उसके बाद ए होता है एम आग लगा ए मतलब निशाना ना कहाँ लगाओगे निशाना जहाँ पास आग लगा है वहाँ एम नीचे बेस में बोलो बेस के नीचे शुरुआत बेस में एम करेंगे उसके बाद होता है एस क्विज क्विज मतलब होता है दबाना वेरी गुड उसके बाद होता है एस एस मतलब स्वीप स्वीप मतलब होता है पूरा लंबा लंबा बेस में ऐसे नहीं गोल नहीं पूरा लंबा लंबा करो लंबा लंबा ऐसे करके स्विच करना वेरी गुड ठीक है ओके तालियां इसके लिए एक ही बार में पकड़ लिया तो ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल मतलब आप लोगों के दिमाग में जा रहा है तो आपको मालूम चल गया एक एक्सटिंग्विशर को आपने बोला था ना ऐसे ऑपरेट करना है आप क्लियर हो गया कैसे ऑपरेट करना है अगर आपने एक्सटिंग्विशर को ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हिला के ऑपरेट किया कभी आग नहीं बुझेगा आप सोचोगे क्यों नहीं हो रहा है क्लियर एक बेस से खत्म करना पड़ता है ये टेक्निक है ऑल अभी अभी आपको सिखाया जाएगा इवैक्यूएशन ड्रिल इवैक्यूएशन आप कैसे करोगे अब कैसे आपके रूम में घुसोगे ठीक है